एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज हम बॉटनी के कुछ बेसिक बातों को समझने का प्रयास करते हैं जो कि हमें फैमिलीज जब पढ़ते हैं तब काम आती है। मैं जानता हूँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग जब पढ़ते हैं तब फैमिलीज में अस्टिवेशन क्या है, मोनोएडल्फस डायडल्फस कंडीशन, यह सब बातें समझने में उन्हें दिक्कत जाती है। आज हम इसी बेसिक के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पढ़ते समय दिक्कत ना जाए। दोस्तों, हम सबसे पहले हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में समझते हैं। हर्ब यानी एक बहुत ही छोटा प्लांट होता है, जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं ग्रास। और श्रब जो रहता है यह एक हर्ब से बड़ा रहता है, जैसे कि रोज प्लांट या लैंटेना कैमरा, जिसे हम रायमुनी भी कहते हैं। ट्री यह तो सबको पता है, यह जो प्लांट रहता है यह बहुत बड़ा रहता है, जैसे कि हम मैंगो ट्री भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्टली हम बात करेंगे एनुअल और पेरिनुअल प्लांट के बारे में। एनुअल यानी ऐसा प्लांट जो कि आपको सीजन में दिखता है और सीजन ख़त्म होते ही उसकी डेड हो जाती है, जैसे कि मैरीगोल्ड यानी झंडू। अब बात करते हैं पेरिनुअल प्लांट के बारे में। पेरिनुअल यानी यह प्लांट साल भर तक ग्रो होता है और इसकी लाइफ कम से कम 3 ईयर तक रहती है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर ले तो टोमेटोज। दोस्तों, नेक्स्टली अब हम जानने वाले हैं रूट्स के बारे में। रूट्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि टैप रूट, एडवेंटेशियस रूट और इसी को फाइब्रस रूट भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टैप रूट के बारे में। टैप रूट में इसका मेन रूट जो होता है वो डीप तक ग्रो होता है और इसका जो अगर बेस्ट एग्जांपल है वो है कैरोट। अब बात करते हैं एडवेंटेशियस रूट के बारे में। यह नंबर ऑफ रूट्स को फॉर्म करता है, यानी कि एक रूट नंबर ऑफ रूट्स में डिफ्रेंशिएट रहता है और यह फैलते ही जाता है, यह डीप तक नहीं रहते, इसको फाइब्रस रूट भी कहा जाता है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल ले तो मैरीगोल्ड यानी झंडू। दोस्तों, नेक्स्टली अब हम जानने वाले इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस यानी ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर का जो गुच्छा रहता है प्लांट पर उसी को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। अब इसके जो नंबर ऑफ टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर की किस तरह से अरेंजमेंट की है ब्रांच पे, उसी पे इसके टाइप है। जैसे कि इससे बहुत से टाइप है, साइमोस, रेसिमोस, जैसे कि सॉलिटरी एग्जाइल, यह सब इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स है और बहुत से हैं। दोस्तों, अब हम नेक्स्टली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में, जो कि फैमिली जब पढ़ते हैं यह ज़्यादातर कंडीशन देखने को मिलती है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेगुलर, इसका मतलब अगर हम फ्लावर को कैसे भी काटे यानी बायलैटरली रेडियली, तो यह दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड होते हैं, इसी को एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल ले एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का तो लिली। अब बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में, यानी इरेगुलर, इसका मतलब होता है फ्लावर को अगर बायलैटरली डिवाइड करते हैं तो ही यह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, अगर हम इस फ्लावर को रेडियली डिवाइड करते हैं तो यह फ्लावर 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड नहीं होता, या तो ऊपर वाला छोटा हो जाएगा नीचे वाला बड़ा पार्ट हो जाएगा, या बड़ा या नीचे वाला बड़ा तो ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, इसी को जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल ले तो यूवेला। तो दोस्तों, अब नेक्स्टली हम बात करने वाले हैं कि फ्लावर में जो कैलिक्स रहती है इसमें दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलती है वो है गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस यानी द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स कैसी रहती है, एक दूसरे से सेपल्स फ्यूज रहती है, इसी को गैमोसेपलस कहा जाता है। अगर इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं तो चाइना रोज। अब बात करते हैं पॉलीसेपलस के बारे में। पॉलीसेपलस में अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स जो रहती है यह जॉइंट एक दूसरे से नहीं रहती, यानी सेपल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं रहते, सिंगल फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए इसी को पॉलीसेपलस भी कहा जाता है। अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं तो रोज में जो अरेंजमेंट रहती है सेपल्स की वो सिंगल फॉर्म में रहती है। कैलिक्स के बाद में अब हम जानते हैं करोला के बारे में। करोला में भी वही सेम कंडीशन रहती है, लेकिन गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस की जगह गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस रहती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गैमोपेटलस के बारे में। गैमोपेटलस में इसमें पेटल्स जो रहते हैं वह एक दूसरे से टोटली फ्यूज रहते हैं, इसी को गैमोपेटलस कहा जाता है। और अब हम जानते हैं पॉलीपेटलस के बारे में। और पॉलीपेटल्स में वैसे कैलिक्स में जैसे सेपल्स, जो सेपल्स रहते हैं वो फ्री रहते हैं, सिंगल फॉर्म में रहते हैं, वैसे ही इधर पॉलीपेटल्स में सिंगल फॉर्म में आपको पेटल्स देखने को मिलेंगे।
आप कैलिक्स और करोला में कभी कंफ्यूज नहीं होना। कैलिक्स में जो रोल है वो है सेपल्स का और करोला में जो रोल है वो है पेटल्स का। ये बातें, दो बातें हमेशा याद रखना। अब नेक्स्टली हम बात करने वाले हैं अस्टिवेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अस्टिवेशन यानी बर्ड ओपन होने से पहले फ्लावर का पेटल्स और सेपल की जो अरेंजमेंट रहती है फ्लावर में, उसी को अस्टिवेशन कहते हैं। अस्टिवेशन में जो पेटल्स और सेपल्स की जो अरेंजमेंट रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रहती है, और इसी के बेसिस पर हमें कई टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप है ट्विस्टेस, वाल्वेट, एम्ब्रिकेटेड, ऐसी कई अस्टिवेशन है जो कि पेटल्स और सेपल के अलग अलग पोजिशन पर डिपेंड करती है। अस्टिवेशन के बाद में अब हम समझते हैं एंड्रोशियम में जो कंडीशन रहती है, जैसे कि मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन के बारे में। मोनोएडल्फस यानी ऑल स्टेमन के जो फिलामेंट्स रहते हैं वो एक साथ आकर एक बंडल फॉर्म होता है, जिसमें एंथर जो रहते हैं वो फ्री रहते हैं, उसी को मोनोएडल्फस कहा जाता है। वैसे ही डायएडल्फस, डायएडल्फस यानी ऑल स्टेमन के फिलामेंट एक साथ आकर एक की जगह दो बंडल फॉर्म करते हैं और उसमें भी एंथर फ्री ही होते हैं, इसको डायएडल्फस कहा जाता है। और पॉलीएडल्फस में जो बंडल्स रहते हैं वो नंबर ऑफ फॉर्म होते हैं और उसमें भी एंथर फ्री रहते हैं, इसको पॉलीएडल्फस कहा जाता है। अगर हम डायएडल्फस का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं तो पी है, और पॉलीएडल्फस का लेमन, और मोनोएडल्फस का कॉटन। तो अब हम नेक्स्टली जानते हैं कि गाइनोशियम में क्या क्या कंडीशन रहती है। गाइनोशियम में मुझे ज़्यादातर जो कंडीशन देखने को मिली, मोनोकार्पेलरी, डाईकार्पेलरी, ट्राईकार्पेलरी, टेट्रा, पेंटाकार्पेलरी, ऐसी कंडीशन गाइनोशियम में देखने को मिलती है। तो यह क्या है? तो गाइनोशियम में जितने कार्पेल्स प्रेजेंट रहते हैं उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। जैसे कि मोनोकार्पेलर्स में सिंगल कार्पेल्स प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसे मोनोकार्पेलरी कहा जाता है। दो कार्पेल्स अगर गाइनोशियम में प्रेजेंट रहते तो डायकार्पेलरी, वैसी ट्राई, टेट्रा और पेंटाकार्पेलरी तक यह प्रेजेंट रहती है। गाइनोशियम के बाद में अब हम बात करते हैं प्लासेंटेशन के बारे में। प्लासेंटेशन का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है फिटस तक न्यूट्रिशन मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर इसकी इजी डेफिनेशन की जाए प्लासेंटेशन की, द अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स इनसाइड द ओवरी, अरेंजमेंट ओवल्स की जो अरेंजमेंट रहती है इनसाइड द ओवरी, उसको प्लासेंटेशन कहा जाता है। और ओवल्स के अरेंजमेंट पर की गई कुछ टाइप्स डिफ्रेंशिएट किए गए, तो इसमें अगर हम बात करते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन, यह भी इसका बेस्ट टाइप है। अब प्लासेंटेशन से हम सीधा आते हैं फ्रूट पे। इसमें लॉकल्स प्रेजेंट रहती है। हाउ मेनी लॉकल्स आर प्रेजेंट इन दिस फ्रूट? इसके कई टाइप्स हैं, जैसे कि मल्टीलॉक्युलर, बायलॉक्युलर, ट्राइलॉक्युलर। लॉक्युलर यानी लॉकल्स यानी क्या होते हैं, जो कंपार्टमेंट्स रहते हैं फ्रूट के अंदर प्रेजेंट, उसी को लॉक्युल्स कहा जाता है। अगर दो कंपार्टमेंट रहते हैं तो डायलॉक्युलर, तीन कंपार्टमेंट अगर फ्रूट के अंदर रहते हैं तो उसको ट्राइलॉक्युलर कहा जाता है। तो फ्रूट्स में ही कई तरह के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेसेंट, इनडेसेंट, फ्रेशी फ्रूट्स, यह सब देखने को मिलते हैं। डेसेंट यानी मैच्योरिटी के बाद जो फ्रूट्स रहता है उसका सीड कोट स्प्लिटअप होकर फट जाता है और सीड्स पूरे बाहर आ जाते हैं, इसी को डेसेंट कहा जाता है। इनडेसेंट यानी मैच्योरिटी के बाद भी फ्रूट का जो सीड कोट रहता है वो स्प्लिटअप नहीं होता और सीड बाहर नहीं आते। अब बात करते हैं फ्लेशी फ्रूट्स के बारे में। ये जो फल रहते हैं इसका जो सॉफ्ट सकलन टिश्यू, यानी इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो इसके मैंगो भी हम कह सकते हैं, सॉफ्ट सकलन टिश्यू इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसी को फ्लेशी फ्रूट कहा जाता है। तो लास्टली अब हम बात करने वाले हैं मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के बारे में। मोनोकॉट सीड यानी इसके सीड में जो रहता है ओनली वन सीड लिप प्रेजेंट रहता है, इसी को मोनोकॉट सीड कहा जाता है। अगर इसका हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं तो वेट। अब बात करते हैं डाइकॉट सीड के बारे में। इसमें सीड के अंदर सीड लिप जो रहते हैं वो दो प्रेजेंट रहते हैं, टू सीड लिप्स आर प्रेजेंट इन द सीड कोट्स। एग्जाम्पल अगर हम इसका लेते हैं तो सोयाबीन, पीनट, ये सब हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यह रही दोस्तों पूरी बेसिक चीज़ें जो कि आपको बॉटनी की फैमिलीज पढ़ते वक्त बहुत काम आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।